Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh and today we will discuss about polity and governance. June month ki magazine hai ye aur jitne bhi topics hain pure month mein jo bhi hot topics the compilation mein vision IAS ki compilation mein mention kiye gaye hain uske bare mein hum discussion karenge aur jo jitne bhi burning topics hain to ye aapke state PCS ke liye UPSC ke liye aur other jo bhi competitive exams hain unke liye bhi important hai बिकॉज करंट अफेयर सबके लिए एक जैसा होता है. यूपीएससी के लिए क्या है कि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, उसका जो भी वे फॉरवर्ड है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में सोचना पड़ेगा कि हाँ उसके लिए क्या सल्यूशनिंग हो सकती है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या आप वे फॉरवर्ड हो सकता है उसके लिए, या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन. सेकेंड वन इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ये मैं पॉलिटी में भी कवर कर रही हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, तो आपका पॉलिटी का सेक्शन उससे बहुत इजीली कवर हो जाएगा. सो वॉच दैट वीडियोस, दोज वीडियोस जो भी लेक्चर्स हैं उस पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. हेट स्पीच के बारे में बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और न्यूज़ इन शॉर्ट्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि कंटिन्यूसली आ रही हैं, जैसे कि इंटरनेट शटडाउन हो रहा है. आर्टिकल 370 में भी कश्मीर में शटडाउन हुआ था, तो वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है ये, राइट टू यूज़ ऑफ इंटरनेट या एक्सप्रेशंस में भी कह सकते हो आप. उसके अलावा छोटा सा भी कहीं पे राइट्स हो जाते हैं तो भी इंटरनेट बैन हो जाता है. इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी की मीटिंग हुई है, उसके बारे में बात करेंगे. राज्यसभा इलेक्शन हेल्प सेवरल स्टेट्स रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज आर UPPS एंड नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स. एंटी डिफेक्शन लॉ इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में. नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2021 की रिपोर्ट है. सो इसके बारे में डिटेल में कॉन्वर्जेशन करेंगे आज. फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अचीव्ड इज कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द पेंडेंसी ऑफ RTI. RTI आपने सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी डिपार्टमेंट से जो कि नेशनल इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को ना मांग रहे हो आप जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो, तो आप RTI फाइल कर सकते हो. और उसकी कुछ प्रोविजंस है कि 30 डेज में आपको उसका रिप्लाईज और इन्फॉर्मेशन दी जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले या इसकी जो इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं आपको RTI बताना चाहूँगी. RTI जो है 2005 में आया था. जेनेसिस ऑफ RTI लॉ स्टार्टेड इन 1986 में स्टार्ट हुआ था एंड थ्रू मिस्टर M. कुलवाल वर्सेज जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केस विच इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 इम्प्लाइज RTI. बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. विदाउट इन्फॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कांट बी फुली यूज बाई द सिटीजन्स. बिकॉज अगर सपोज करिए कि कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता नहीं चल रही है, तो आप उस पर अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकते. कोई भी नए लॉज आते हैं उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो इसमें RTI अगर नहीं मिलती है तो ये वॉयलेशन होगा एक तरीके से. इट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 का रिप्लेसमेंट था ये. RTI एक्ट एम्पावर्स द सिटीजन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कंटेन करप्शन एंड मेक आर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस. तो बिकॉज RTI जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, आपको अपनी कंट्री के लॉज के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए. और वो आपका राइट है कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, अगर आप मांगते हो तो ये आपका राइट है. और ये हर सिटीजन को एक डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस डेवलप करने
में हेल्प करता है फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी, जो भी डिपार्टमेंट्स में चल रहा है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. पब्लिक वर्किंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में क्या, आप अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो किस तरीके से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन ये राइट देता है कि आप इंफॉर्मेशन ले सको. एज पर RTI एक्ट सैलरी ऑफ CIC एंड IC एट सेंट्रल लेवल विल बी इक्वलेंट टू सैलरी पेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिस्पेक्टिवली. हाउएवर RTI बिल 2019 रिमूव्स दीज प्रोविजंस एंड एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज 2019 में इसके कुछ रिमूवल इसमें जो भी प्रोविजंस थे कुछ रिमूव किए गए थे और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कह सकते हो कि एम्पावरमेंट किया गया था या पावरफुल किया गया था. अब हम आते हैं उसके बाद अबाउट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं. ये तो RTI के बारे में था. CIC एक स्टैचुटरी बॉडी है सबसे पहले तो ये, क्योंकि प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सी बॉडी है, स्टैचुटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ भी मतलब इस टाइप से आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है. एंड इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी जो कि कानून में बाद में लाई गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो आप कह सकते हो कि इनिशियल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें नहीं थी. कॉन्स्टिट्यूटेड विद द एफर्ट ऑफ 2005 अंडर RTI एक्ट 2005 द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कमीशन एक्सटेंड्स ओवर ऑल द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज. तो सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज को एक्सटेंड करके आप कह सकते हो कि बनाई गई है. इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स. सो इसमें 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज. प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है इसके. अगर जब इनका जो भी कमेटी का फॉर्मेशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अपोजिशन का लीडर होंगे. एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट्स बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे. CIC इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो एक बार मेंबर बन जाता है उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता. सो बाय RTI अमेंडमेंट 2019 एंड द रूल्स ब्रॉट इन देयर आफ्टर टेन्योर ऑफ द कमिश्नर्स हैज बीन कट टू 3 years. तो 3 साल का टेन्योर हो गया है. अर्लियर 2005 एक्ट गेव देम अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years और रिटायरमेंट एज ऑफ 65 years, जो कि घटा के 3 साल कर दिया है. दिस वॉज डन इन इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन यूज दियर पावर इवन विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी फियर ऑफ दियर जॉब्स. सो आप कह सकते हो कि दिस इज डन इंश्योर द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन यूज दियर पावर्स इवन विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, विदाउट किसी भी बिना डर के. अब फंक्शनिंग की बात करते हैं CIC की. CIC हैज़ द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट. सो सिविल कोर्ट की तरह ही एक आप कह सकते हो कमेटी या फिर एक बॉडी है. वाइल ट्राइंग अ सूट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, जैसे समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड कंपेल देम टू गिव oral or written evidence on oath and procedure the document or thing. किसी भी document को या फिर oath को आप मतलब provide करना चाहिए, whether जो भी evidences हैं, whether it is in oral form or written form, requiring the discovery and inspection of the documents. So जो भी documents के inspection करना और उसको discovery जो भी है उसमें चीज़ें find out करना, receiving evidences on एफिडेविट. सो एफिडेविट के बेसिस पे जो भी है एविडेंसेस मतलब प्राप्त करना आप कह सकते हो कि टू गेट द एविडेंसेस. रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड्स और कॉपीज देर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस. तो जितने भी पब्लिक ऑर्डर्स हैं उसकी कॉपीज वगैरह को रखना,
किसी भी आई मीन कोर्ट से, आप कह सकते हो कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करना कि हमें ये इंफॉर्मेशन या फिर ये कॉपीज चाहिए, तो वो ले सकते हैं. इशूइंग समन्स टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसिंग और डॉक्यूमेंट्स, तो समन भी इशू किया जा सकता है सीआईसी के द्वारा. सीआईसी एज द केस मे बी रिसीव्ड एन इंक्वायर इन टू अ कंप्लेन फ्रॉम एनी पर्सन, तो कोई भी इसमें अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है. हु हैज़ रिफ्यूज एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन, तो जब कोई आपको आरटीआई आपने फाइल किया, सपोज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप सीआईसी में अपना जो है रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो. हु हैज़ नॉट बीन गिवन अ रेस्पॉन्स टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट, तो जितना भी टाइम लिमिट है, अगर वो उसके अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तभी आप केस फाइल कर सकते हो. इशू विद द सीआईसी, अब यहाँ पे आते हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस और इशू की बात करते हैं. पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि या तो मैन पावर की भी कमी कह सकते हो, उसकी वजह से पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है कि आपको ठीक से रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो दैट डिपेंड्स कि किस तरीके से मिलता है. इनइफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड ऑफिसर्स लीड टू डिले इन प्रोसेसिंग आरटीआई एप्लीकेशन. सो जितनी भी आरटीआई एप्लीकेशन थी, जब उनको कोई फाइल करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अगर आपने जो भी फील्ड ऑफिसर्स हैं वहाँ से फील्ड से इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गैदर नहीं कर रहे, तो आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा. दूसरी चीज़ है, 38% ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स साइटेड द रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एज अ रीज़न फॉर डिलेज इन प्रोसेसिंग इन आर टी आई. 38% इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप बात करें, 38% जो PIO जो होते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, तो डिलेज जो होता है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से है. 78% ऑफ द PIOs सेटेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड ऑफिसर्स एज अ कॉज ऑफ डिले, तो जो भी वो बताते हैं कि कॉज ऑफ डिले जो है, जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दे पाते, इसकी वजह से डिले हो जाता है. अब पेंडेंसी की बात करते हैं, जो भी पेंडिंग केसेस वगैरह की पेंडेंसी इन 5 times हायर देन द केस डिस्पोज्ड सिंस मिड अप्रैल 2022, और टोटली 35 जो भी नंबर दिया गया है, 35,849 अपील्स हैं जिसमें से कंप्लेंट्स आर करंटली पेंडिंग. तो पहले से इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि पहले से कमी तो आई है, लेकिन तभी भी बहुत केसेस अभी भी पेंडिंग हैं. ठीक है, सो द पेंडेंसी इन फाइव, उसके बाद जो 5 times हायर है, अगर एक जनरल रेशो लिया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2019 के अकॉर्डिंग न्यू रूल्स हैव बीन डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन अलाउंसेस और सर्विसेज कंडीशंस टेन्योर सैलरी विच वुड बी बाइंडिंग दस इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन सीआईसी. तो सीआईसी पे कंट्रोल भी होता जा रहा है गवर्नमेंट का, जो कि 2019 के बाद से ये थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं उस और अलाउंसेज हैं सर्विसेज हैं उसकी कंडीशंस वगैरह के लिए. वैकेंसी द सीआईसी हैज़ बीन वैकेंट फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर 4 of the last 7 years. तो वैकेंसीज वगैरह भी काफ़ी एम्प्टी हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है. लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई जाती. लाइक द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ एक्ट टू डील विद द आरटीआई एप्लीकेशंस, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको आपको डील कैसे किया जाए. अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आरटीआई की तरफ से प्रॉब्लम है, तो उनको डील करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बिकॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कह सकते हो आप. उसके अलावा आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट, उसके बाद प्रेशर बिल्डिंग, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में ये सारी एक्टिविटीज़ टाइम बाय टाइम होती रहती हैं, बट ये लिमिटेशन आप लिख सकते हो. यही डिफरेंस आप कह सकते हो कि प्राइवेट इंडस्ट्री प्रॉफिट बिल्डिंग होती है, बट गवर्नमेंट जो पब्लिक इंडस्ट्री आप कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स में ये चीज़ें नहीं होती है. ट्रेनिंग का जो है इट इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग्स, काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो स्टाफ है उसकी कमी होती है हर तरीके से. जो भी कुछ लोग काम बहुत प्रोएक्टिवली कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से जो है पूरा जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है.
उसके बाद अगर बात करते हैं, मेक अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, ये एक सजेशन है वे फॉरवर्ड के नाम पे अगर हम बात करते हैं तो. ट्रेनिंग इन हाउस, ट्रेनिंग ऑफ PIO, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर बाय एक्सपर्ट्स फॉर हैंडलिंग RTI एप्लीकेशन एंड इन हाउस मैनुअल्स क्रिएट होने चाहिए. वैसे भी पूरा कंप्यूटर का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें एफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज कराई जाए इस पे भी आप पूरा मतलब रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए, किस तरीके से ये मतलब फास्ट ट्रैक किया जा सकता है. अवेयरनेस कैंपेनिंग थ्रू रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशंस ऑफ RTI एक्ट 2005 इन रीजनल लैंग्वेजेस, एडिंग अ चैप्टर ऑफ RTI एक्ट 2005 इन स्कूल कॉलेजेस, करिकुलम में बताना चाहिए कि RTI एक्चुअली में है क्या, RTI एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. बहुत मतलब हमारे नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है RTI के बारे में. थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़े लिखे थोड़े बहुत लोग हैं उनको बस पता है कि RTI क्या है, बट उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देर इज अ नीड टू एनहेंस द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन CIC इन ऑर्डर टू क्विकली डिस्पोज पेंडिंग केसेस. तो ये भी एक है कि शॉर्ट ऑफ स्टाफ की वजह से भी प्रॉब्लम है. तो इट वॉज ऑल अबाउट CIC एंड RTI. ये आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा. स्टैटिक पोर्शन के लिए भी मैंने एक और वॉट इज UPSC करके एक सीरीज चलाई है, जिसमें UPSC के अलावा मैं अदर जो भी एग्जाम्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ. सो एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दैट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर UPSC जर्नी एंड अदर स्टेट PCS की जो भी प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हो. सो यू कैन गो टू दैट प्ले लिस्ट ऑल्सो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ अगर अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिव अकाउंटेबिलिटी की. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो भी आप अपने वर्डिक्ट दे रहे हो उसके लिए जुडिशरी को अकाउंटेबल होना चाहिए. तो रिसेंटली द ओडिशा हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट. एक एनुअल रिपोर्ट ओडिशा हाई कोर्ट ने आप कह सकते हो लॉन्च करी है टू गिव द इनसाइट इन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट जुडिशरी. स्टेट जुडिशरी की परफॉर्मेंस क्या है, क्या स्टेट जुडिशरी में चल रहा है, जो भी केसेस थे उसके वर्डिक्ट्स वगैरह, उसके लिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है. तो इस रिपोर्ट से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि अदर स्टेट्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क भी होगा, और आई ओपनिंग आप कह सकते हो कि स्टेप है ये अदर स्टेट्स के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी. बिकॉज जुडिशरी अगर सही डिसीजन दे रही है और किसी भी आप कह सकते हो कि निर्दोष को गलती से भी सज़ा ना दी जाए, और जो दोषी हैं उनको ऐसा ना हो कि कोई फेक या कुछ इस टाइप के एविडेंस शो करने के बाद वो अगर फ्री हो जाता है अपने भी जो भी एलिगेशंस हैं, तो वो जुडिशियरी के लिए बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत शेम वाली बात है. तो इसीलिए यहाँ पे ये आर्टिकल भी है आप कह सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले नीड ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा क्यों है. टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ द केसेस सबसे पहले, क्योंकि अगर आप सोचिए कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर कोई भी एक एक टाइम होता है किसी भी के न्याय मिलने के लिए. जैसे आज आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है बिल्किस बानो केस, गुजरात का जो है. शी वॉज द रेप विक्टिम एंड 2002 शी वॉज रेप्ड बाई 11 पीपल एंड उनको छोड़ दिया गया. तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है और डिस्कशन भी चल रहा है कि उनको ऐसे कैसे छोड़ दिया, किस प्रोविजन के बेसिस पे. और रेप इज़ अ वेरी हीनियस क्राइम, उसी कैटेगरी में उसको रखे जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सब लोग बात कर रहे हैं. तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिलीवरिंग क्वालिटी जजमेंट के लिए भी आप क्वालिटी जजमेंट प्रोवाइड करा सको, ट्रांसपेरेंसी हो आपके जो जजमेंट्स हैं उसमें. टू इंश्योर द फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. बिकॉज जुडिशरी को लेके जो लोगों का धीरे धीरे धारणाएं बन रही है, ऑल दो फेथ हमेशा रहेगा जुडिशरी पे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट तब भी लोगों का जो फेथ कभी कभी डगमगा जाता है. जैसे बिल्किस बानो टाइप के जो भी केसेस हैं, उसके अलावा और इस टाइप के जो और केसेस हैं कि उसमें प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से ये
जो जुडिशरी है अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है और अपने जो भी फेथ है लोगों का वो उसको बरकरार रखा जाए कैसे. लैक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो जो भी इफेक्टिव मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी के, सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज करना. अब जुडिशियल एक्ट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मैकेनिज्म एम्ड ऑफ टू मेक जजेस एंड कोर्ट पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर एंड सबसे पहले उनका बिहेवियर उस तरीके से, जो डिसीजन तो दे रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल स्टैंडर्ड्स. तो एक तो वो लीगल स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिस तरीके से जजमेंट दिए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखे ही जजमेंट दिए जाने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वेयर चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट ऑन एवरी ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के ऑर्गन जो आप कहते हो कि इंडियन में इंडियन जो सिस्टम है उसमें तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का फंक्शन बिल्कुल अलग अलग है. उसके बीच में बैलेंस मेंटेन करना, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना. हाउएवर बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशरी, जुडिशरी इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटीज अंडर आर्टिकल 235 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी क्लियरली इंडिकेट द प्रोविजन ऑफ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी. बिकॉज आर्टिकल 235 बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी, जो भी उसका कंट्रोल है सबॉर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर हाई कोर्ट का जो कंट्रोल है, क्लियर टू इंडिकेट्स द प्रोविजंस ऑफ द इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी. तो ये बात करता है कि किसी भी लेवल पे अगर कुछ भी लैक होता है तो ये जो भी उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उस पर जो हायर कोर्ट्स हैं उसको कंट्रोल कर सके और उसको एक सही डायरेक्शन दिखा सके. इशू विद द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले अगर कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं, बहुत सारे आपने एनजेसी के बारे में सुना होगा. मैंने जो भी अभी बात भी की थी एनजेसी के लिए, तो ये 2015 में आया था जो ये लॉज था, इट वॉज इन 2015, तो 2015 में आया. उसके बाद से सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट कर रहा था ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद बात आती है कोलिजियम सिस्टम है क्या. इसमें जो केस थर्ड में जो जजमेंट आया था, केस थर्ड अगर आपने जज केस थर्ड में सुना होगा कि 4 जजेस होने चाहिए कोलिजियम में एंड 1 शुड बी सीजे, तो टोटल 5 जजेस का कोलिजियम है जिसमें कि जजेस के अपॉइंटमेंट का डिसीजन लिया जाएगा एंड द प्रेजिडेंट विल अपॉइंट दोज जजेस ऑन द एडवाइज ऑफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो कोलिजियम तो होता ही है बट बैकेंड पे वो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं. अब जज अपॉइंट जजेस की जो अपॉइंटिंग जजेस हैज लेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इमेंस पावर इन हैंड्स ऑफ द जजेस. तो उसमें कई बार ये भी आता है कि नेपोटिज्म चल रहा है, कोई अपनी जान पहचान के ही जजेस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि इसमें सीनियोरिटी जूनियोरिटी का नहीं है. CJI में ऐसा होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो ही बनते हैं CJI, बट इसमें जजेस के केस में ऐसा नहीं है, कोई मिनिमम एज नहीं होती. मैक्सिमम एज जो रिटायरमेंट की है सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है, जो कि मैं ऑलरेडी पॉलिटी वाले जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ. तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आप इजीली कवर कर सकते हो. कंडक्ट ऑफ जजेस, जजेस हैव बीन एलीस्ट टू हैव इंडल्ज इन करप्शन पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स एक्सेट्रा. बिकॉज बहुत सारे ऐसे होते हैं कि CJI को और अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको प्रोविजन तो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो एज ए लॉयर वर्क नहीं कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो उन कोर्ट्स में नहीं कर सकते जहाँ जहाँ पे उसने वर्क किया है. उसके अलावा अदर कोर्ट्स में वो एज अ लॉयर आफ्टर देयर जॉब्स वो आराम से मतलब अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं. इन हाउस फंक्शनिंग कैसे अगर बात करते हैं,
opacity in functioning of the judiciary, such an allocation of cases, judiciary appoints disciplinary actions, जैसे are informal and inefficient, and there's urgent need to bring the transparency which further strengthens accountability. Accountability को increase करने के लिए भी बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि बहुत सारे steps उठाने चाहिए judiciary को भी, और पार्लियामेंट का एज सच, या आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत जो भी इंडल्ज है वो इस तरीके से ना हो कि वो बदले लेने वाली भावना हो, बट ये हो कि हाँ जुडिशरी जो पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जा सके. इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती. जुडिशरी हैज़ वर्चुअली कैप्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ आरटीआई, तो आरटीआई के एम्बिट से अलग है. दस रेस्ट्रिक्शंस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विच फर्दर hinders process of holding judges accountability for their actions, because RTI के अगर periphery से अलग हैं तो आप information नहीं ले सकते. उसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो भी arbitrary steps हैं, या फिर कहीं कई बार ऐसा बोला जाता है कि judges ने अपनी मनमानी चलाई, उस टाइप की बातें की जाती हैं. judicial overreach की बात करते हैं. judicial activism phenomena सुना है आपने, ये मैं आपको हम स्टैटिक पोर्शन में भी कवर कर रहे हैं, तो वो आप उसमें देखिएगा. जुडिशियल एक्टिविज्म इन्फोर्स राइट ऑफ पीपल एंड सोसाइटी एट लार्ज, हाउएवर देर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच वायलेटिंग द की प्रिंसिपल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर. तो कई बार होता है कि जो भी पार्लियामेंट के वर्क है, जुडिशरी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होके उसमें इन्वॉल्व होने लगती है और उसमें भी अपने वर्डिक्स दे देती है. जैसे आपने सुना होगा कि 2016 में कि आप ठेकास जो हैं हाईवे के 50 meters के डिस्टेंस पे वो आपको हटाए जाएं, हरियाणा गवर्नमेंट ने मना कर दिया था उस टाइम पे. तो ये एक एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का, है जुडिशियल ओवररीच का. पेंडेंसी ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, पेंडेंसी को कम करने के लिए 2.5 एनुअल बिटवीन 2010 टू 2020. तो उसके अलावा 2021 में 4.5 crore केसेस वर पेंडिंग अक्रॉस ऑल कोर्ट्स. तो ये भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए. बहुत सारे इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए कि इन केसेस को किस तरीके से कम किया जा सके. जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा भी हुआ है, बट उस तरीके से उसके भी क्रिटिसिज्म है, जो कि हम बात करेंगे अपने स्टैटिक पोर्शन में. तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड हैं, तो आप जितने भी आपके स्टैटिक पोर्शन को अगर आप करंट से जोड़ के पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेंडेंसी हैज़ लेड टू इरोजन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट इन जजेस एंड जुडिशियल सिस्टम. तो इसीलिए जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, सपोज करो कोई बंदा किसी पिक पॉकेटिंग हुई, उसने चोरी की है, किसी की जेब काट ली, उसको जेल में डाल दिया. अब सात, क्योंकि इस तरीके केसेस आए हैं PIL में, आपको मैं ये बताऊंगी, बिहार के केस में शाहबानों का केस है जिसमें, तो इस तरीके के केसेस आए हैं कि वो 10-12 साल से पड़े हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कुछ भी. फर्स्ट उनको एज अ क्रिमिनल भी नहीं ट्रीट किया जा रहा, बस वो जेल में बैठे हुए. तो फाइनेंस कमीशन ने भी ये चीज़ बोली थी कि इस तरीके का ओवरबर्डन हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी को जेल में रख रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, आपको खाना खिलाने, उनके लिए जो भी आपको बेसिक एम्यूनिटीज देनी होंगी, तो वो ये चीज़ें आपको देना ही पड़ेगा. तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी होंगी. स्टेप्स टेकन टू प्रमोट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन हाउस प्रोसीजर्स के बारे में अगर बात करें, तो फॉर्मुलेशन ऑफ एन इन हाउस प्रोसीजर टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ मिसबिहेव एंड मिसकंडक्ट अगेंस्ट देम. जितने भी जजेज हैं उसके लिए आपको एक इन हाउस कमेटी या इस टाइप का कुछ बिठाना चाहिए, जिसमें कि जजेस वगैरह से इंक्वायरी हो कि हाँ किस तरीके का जो भी उनका बिहेवियर है. उसके अलावा कंसीडर फिट फॉर इंक्वायरी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ हिज सीनियर कोलीग्स, उसके बारे में होना चाहिए. और इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो कि बायस्ड ना हो. उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 के अकॉर्डिंग इट हैज़ बीन अंडर डिस्कशन बाय ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड सेटिंग अप अ परमानेंट सेक्रेटरीट इन सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस. जुडिशियल स्टैंडर्ड्स की बात करें, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2020 आया है. इट इज़ अंडर कंसिडरेशन विच रिक्वायर्स जज टू डिक्लेयर देयर एसेट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2020 का ही है, तो 1.5 से 2 साल के आपके करंट अफेयर बहुत ईजिली UPSC में और स्टेट PCS में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. उसमें एसेट डिक्लेरेशन होगा.
lays down judicial standards and established process for removal of judges of the Supreme Court and High Courts, दोनों के लिए ही. 2009 में द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स रिजॉल्व द पब्लिक वॉलेंट्री डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट्स फॉर दियर जजेस एंड ऑल्सो बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट वर अडॉप्टेड इन 2002. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिजिटाइज द लीगल प्रोसेस एंड मॉनिटर टू इंश्योर लाइफ साइकिल ऑफ अ केस. तो कितना लाइफ साइकिल है, कितने दिन से चल रहा है, ये सारी चीज़ें. और उसके अलावा सिस्टम एक्सेस होना चाहिए लॉयर्स को, जजेस को, कि क्या उसकी प्रोसीडिंग्स थी, किस तरीके के उसके बैकग्राउंड था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफ सिस्टम होना चाहिए एक, एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए टू मॉनिटर केसेज इन्वॉल्व द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स रद्दी की तरह यूज़ की जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ मिसप्लेस भी हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी 21st century, एंड दैट्स वाई वी शुड understand about the power of data and the power of technology, which is really very important. So at last we will discuss about the conclusion. A more formal and comprehensive code of conduct for judges should be put in place, which is enforceable by law. Also, annual reports on functioning and efficiency should be published to foster an accountability as recently done by Orissa High Court. तो ये लास्ट में कंक्लूजन है कि जिस तरीके से उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, अपना जो भी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, वो दिखा के ये शो करने की कोशिश की है कि येस वी आर वेरी प्रोएक्टिव, वी आर डूइंग आर जॉब वेरी इफिशेंटली, वेरी डिलीजेंटली, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश की है. तो वे फॉरवर्ड यही है कि अदर स्टेट्स एंड अदर कोर्ट्स को भी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए. अब अनदर टॉपिक इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, विच इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं. 1976 में PIL कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाई जस्टिस कृष्णा अय्यर इन मुंबई, कामगार सभा वर्सेस अब्दुल, कामगार सभा वी अब्दुल थाई केस में हुआ था ये. अंडर अनरजिस्टर्ड वर्कर एसोसिएशन वॉज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32. उसके बाद 1979 में एक केस आया, फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL एज हुसैन अर्रा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट फोकस्ड on inhuman conditions of prison and under trials. तो जितने भी under trials जो prisoners थे या जो भी कैदी थे, कैदी तो एक तरीके से उनका जो भी उनकी जो crimes है वो प्रूव नहीं हुआ तो उनको कैदी भी नहीं कह सकते, बट बस दे वर अंडर ट्रायल एंड दे वर इन प्रिजन, जेल में बंद थे बहुत सालों से. तो हुसैन आरा खातून ने स्टेट ऑफ बिहार के लिए ये PIL फाइल की थी. दिस वॉज द फर्स्ट एवर फॉर्मल PIL आप कह सकते हो. 1981 में न्यू पीरियड ऑफ PIL मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई जस्टिस PN भागवती. इन्हें जो है PIL, फादर ऑफ PIL भी कहा जाता है जस्टिस PN भागवती को. सो ही हैज टेकन दैट PIL इन SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस. जस्टिस PN भागवती हैज़ बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया. तो इंडिया में जो है इनको फादर ऑफ PIL भी कहा जाता है. सो लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट. सबसे पहले क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था, इट वॉज लाइक इसी PIL से रिलेटेड ही केस था ये, कि बहुत सारे ना केस, बहुत सारे प्रिजनर्स थे, मतलब लाखों के नंबर्स में होंगे. तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर NGOs हैं, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं. तो आप कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं NGOs भी. गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ NGOs एंड एवरीथिंग, जो भी अदर जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में. बट यहाँ पे क्या था कि इतने सारे प्रिजनर्स थे और बहुत सारों के ऐसे बहुत ही पिटी क्राइम्स थे, किसी ने जेब चुरा ली, किसी की थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई किसी से या मारपीट हो गई, तो उसकी वजह से वो
डिटेन किए गए थे और उसके बाद उनको कोई अंडर ट्रायल्स भी नहीं था, कोई उनके सामने किसी कोर्ट में उनको ट्रायल पे नहीं ले जाया गया। उसके बाद ना ही कोई केस चल रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। इतने सालों से पड़े हुए हैं, इतने उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो जाके केस लड़ सकें, किसी अच्छे वकील को कर सकें। तो इस तरीके की ना बहुत कंटिन्यूसली ना बहुत सालों से, कोई बहुत 10 साल से जेल में बंद है, कोई 12 साल से, तो इस तरीके का जो था ये चीज़ें चल रही थी। तो बिहार में उसी टाइम पे कुछ एनजीओज एक्टिव हुए और उसके बाद बात आई कि किसी ने ना पोस्ट कार्ड पे लिख के कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ और हमने कोई ऐसा वैसा क्राइम भी नहीं किया था और हम इतने सालों से बंद हैं। एक फटा पुराना सा टाइप का जो है पोस्ट कार्ड भी नहीं कह सकते हो कि एक पेपर था, किसी तरह से वो जजेस के पास पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, जजेस ने उसको एज अ PIL, किसी लॉयर नहीं किया था आई थिंक, तो एज अ PIL फाइल किया गया कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद से ये PIL का कॉन्सेप्ट आया। वैसे तो सोशल PIL आप उसमें कह सकते हो कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन USA में है, वहीं से भी आप कह सकते हैं कि अडॉप्शन है इसका, लेकिन ये इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट का। बिकॉज ये इन जनरल जो हमारा बेसिक जो फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन था, उस टाइम पे PIL वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इट इज़ द इनोवेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो तब से ये स्टार्ट हुआ। अब उस हुसैन आरा खातून का जो केस आया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ये सारी चीज़ें हुई कि इनह्यूमन कंडीशंस में प्रिजनर हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, इतने सालों से बंद हैं, तो क्या किया जाए। उसके बाद एक फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी आई कि जो भी इतने सालों से प्रिजनर्स को बंद रखा गया है इतने पीटी क्राइम्स के लिए, तो उनको छोड़ा जाए, जो भी उनके बिहेवियर और ये सारी चीज़ें देखी जाएं, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन भी है। बिकॉज आप एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंस के लिए भी कि फाइनेंस यूज़ हो रहा है, खाने पीने का जो भी है, उनका रहने का, उनके कपड़ों के लिए और भी अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाए ही जाते हैं एज अ ह्यूमन आई मीन नीड्स आप कह सकते हो, बेसिक जो अमेनिटीज होती हैं। तो ये सारा जो था उसका बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं रिसेंटली जो PIL के लिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन एंड इम्पोज्ड पेनल्टीज ऑन पिटिशनर्स फॉर फाइलिंग लग्जरी एलिगेशंस। अब इसमें जो कॉन्टेक्स्ट आता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि PIL का जो कॉन्सेप्ट था वो उनके लिए था कि जो पब्लिक एट लार्ज का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रिजनर्स के लिए था। उसके अलावा आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक के लिए PIL फाइल हुआ था। उसके अलावा आपने एनवायरमेंटलिस्ट को देखा होगा, बहुत सारे की PIL फाइल होती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके केस में PIL फाइल होता है। बट अभी का जो हो रहा है, लोग अपने जो है इंटरेस्ट को लेके, आप जो पर्सनल इंटरेस्ट को लेके भी PIL फाइल करवा देते हैं इनडायरेक्टली किसी और से, और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो इससे ना कोर्ट की, एक तो कोर्ट के पास ऑलरेडी इतना बर्डन है, इस तरीके के जो भी लग्जरी एलिगेशंस PIL फाइल हो रही हैं और कंपनीज एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्टली किसी और से केस करा के भी कर रही है, तो इस तरीके केसेस कंटिन्यूसली आ रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला और पेनल्टीज लगाई हैं उन के ऊपर, पिटिशनर्स के ऊपर जो कि लग्जरी PIL फाइल कर रहे हैं। अबाउट द PIL, अब इसमें जो इसका बैकग्राउंड और उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। PIL इज द यूज ऑफ द लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटीज, रेजिंग इश्यूज ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न। तो ये एक या दो, जैसे अगर हमारा पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम PIL लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इट इज लाइक द पब्लिक एट लार्ज, उनको और जो मतलब जो सफर कर रहे होते हैं वो PIL फाइल नहीं करता, उनके पूरे बेसिस पे कोई और PIL फाइल करता है। दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली द PIL एंड इट इज फॉर द ब्रॉड पब्लिक कंसर्न। एक्सप्रेशन PIL हैज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जुरिप्रूडेंस, या फिर जुरिडिक्शन आप वैसे कह सकते हो। PIL इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल 39A विच मेक्स श्योर दैट स्टेट श्योर प्रोवाइड जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन एंड क्रीड। ये 39A में दिया हुआ है। PIL इज द पावर गिवन टू द पब्लिक बाई कोर्ट
पब्लिक इंटरेस्ट केसेस मे राइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स. तो पब्लिक एंड प्राइवेट जो भी लॉ मैटर्स हैं उनके बेसिस पे की जा सकती है. सम ऑफ द मैटर्स विच आर कंसर्न अंडर PIL आर बॉन्डेड लेबर के लिए, आपने सुना होगा एट्रोसिटीज वुमेन्स के लिए जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनके अगेंस्ट भी PIL फाइल की जाती है. एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिफरेंट तरह के पोल्यूशंस हैं, जैसे कहीं पे इस तरीके का पोल्यूशन है कि वाटर बॉडीज में बहुत सारे जो भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट रिलीज कर रही हैं उसकी वजह से है. फूड एडल्ट्रेशन को लेके, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर को लेके PIL फाइल्स होती हैं. तो PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल. हाई कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है, एनी हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ PIL फाइल की जा सकती है. PIL कैन बी फाइल्ड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. पिटिशनर नीड नॉट बी aggrieved person, the organization with condition that it should not be fixed with a personal agenda, क्योंकि personal agenda के लिए है ही नहीं है. अब हजारों लोगों को एक particular person उनके basis पे PIL फाइल कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे उस जजमेंट से बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, इसलिए PIL का कॉन्सेप्ट आया था. इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कोर्ट कैन टेक अवेयरनेस ऑफ द मैटर्स इट इज इन द मैक्सिमम पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन ऑल्सो अपॉइंट एन एडवोकेट टू हैंडल द केस. तो ये एक एडवोकेट को हैंडल किया जाता. अब ये लैंडमार्क केसेस हैं PIL को लेके. SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक और NGO एक्टिंग बोनाफाइड एंड इनवोक रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में, तो हाई कोर्ट में है और 32 आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए. रेस्पेक्टिवली सीकिंग एड्रेसल अगेंस्ट वॉयलेशन ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पर्सन एंड हु ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एनी अदर डिसेबिलिटी कांट अप्रोच द कोर्ट. जो कि बहुत गरीब तबके से लोग हैं, आई मीन जो भी उनके पास पैसा नहीं है और लड़ने के लिए फ्री लीगल एड्स भी नहीं है, तो ये हमारा DPSC भी प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड्स के लिए. फंडामेंटल राइट्स भी है तो इसी के बेसिस पब्लिक एट लार्ज NGOs वगैरह ये या फिर कोई ऐसा मेंबर होता है पब्लिक का कि वो उनके बेसिस पे PIL फाइल करता है. MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1987, PIL ब्रॉट अगेंस्ट गंगा वाटर पोल्यूशन, ये एनवायरमेंट को रिलेटेड है. पिटिशनर ऑल्दो नॉट अ राइपेरियन ओनर एंटाइटल टू मूव द कोर्ट बाय द एनफोर्समेंट ऑफ स्टैचुटरी प्रोविजन एज ही इज द पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल यूजिंग गंगा वाटर. तो गंगा वाटर की वजह से, क्योंकि आप पॉल्यूशन सोचिए ना कि गंगा का जो स्पैन है वो कितना बड़ा है और कितने लोग उससे लाइफ है, एनिमल्स की लाइफ है. जैसे आपने देखा होगा गैंगेटिक डॉल्फिन, इस लॉकडाउन के टाइम पे गैंगेटिक डॉल्फिन देखी गई थी बिहार के बहुत सारे जो भी रीजन है उसमें और अदर रीजन में भी, जबकि धुंधले पानी में वो बिल्कुल भी नहीं रहते गैंगेटिक डॉल्फिन. तो वो प्योरिटी के उनको साफ पानी चाहिए होता है तभी दिखाई देती है. तो ये चीज़ एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपने सुना होगा दिस इज़ वेरी वेरी फेमस केस, विशाखा वर्सेज द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997. सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्शुअल हैरेसमेंट एज अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड 21. बिकॉज आपको अपने जो भी वर्क प्लेस पे है सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस नहीं होना चाहिए. दैट इज आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है आर्टिकल 15 का एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 21. सो इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे एंड ORS वर्सेस VMS देवकाला कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ORS 2004 इन एन अप्रोप्रिएट केस वेयर पिटिशनर माइट हैव मूव्ड अ कोर्ट इन हर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड फॉर रिड्रेसल ऑफ द पर्सनल ग्रेवरेंस. कोर्ट इन फर्दरेंस द पब्लिक इंटरेस्ट मे ट्रीट इन necessity to inquire into state of affair of the subject of litigation in the interest of justice. So thus private interest can also be treated as public interest case. क्योंकि जैसे आपने विशाखा का सुना, विशाखा केस एंड इस सेकेंड वाले केस में इंडियन बैंक, क्योंकि आप अगर वर्क प्लेस पर फीमेल्स का फीमेल्स को परेशान किया जा रहा है और उनको असॉल्ट किया जा रहा है किसी भी तरीके से, फिजिकली, मेंटली,
एंड प्रोफेशनली, तो वो एक पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि वुमेन का टॉपिक आ जाता है, तो क्योंकि ऑलरेडी इंडियन जो सोसाइटी को बोला जाता है पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है, तो उसमें हमेशा से जो भी फीमेल के राइट्स हैं वो हमेशा से डिप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से ही आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट इंटरेस्ट भी जो कि पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट दे सके, तो आप EIL उस तरीके से फाइल कर सकते हैं, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू आई मीन सब्जेक्ट टू द पेरीफेरी ऑफ द लॉ, क्योंकि एक लॉ के बेसिस में उसी पेरिफेरी में भी होना चाहिए। इश्यूज़ विद द PIL, अब इश्यूज़ बहुत सारे हैं तो कुछ बात करते हैं। अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें सीधे सीधे है, PIL हैव बीन यूज टू पब्लिसिटी ऑफ द प्राइवेट इंटरेस्ट, बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें कि अपनी पब्लिसिटी के लिए या केस फाइल कर देते हैं कि पब्लिक एट लार्ज के लिए, बट बाद में पता चलता है कि इनका खुद का पब्लिक इंटरेस्ट तो जो था, लेकिन इनका प्राइवेट इंटरेस्ट की वजह से PIL फाइल करते हैं। सो फॉर इंस्टेंसेस PIL अगेंस्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अनियंस एंड इन रेलवे फेयर्स, तो उस तरीके के लिए भी PIL फाइल कर देते हैं लोग कि अनियन के प्राइस बढ़ गए और रेलवे के फेयर बढ़ गया है, बट पब्लिक एट लार्ज के लिए उसका सिग्निफिकेंस किस तरीके से हो रहा है और बहुत सारे लोग एक साथ आके साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डज रियली मैटर्स। एनफोर्समेंट ऑफ द जुडिशियल टाइम ड्यू टू राइज इन नंबर ऑफ प्रीवियस PIL फील्स, स्टॉलिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, PIL हैव बीन यूज एज अ टूल टू डिले डेवलपमेंट एक्टिविटीज, फॉर इंस्टेंसेज PIL फाइल्ड अगेंस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एट प्रीमाइसिस ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल, उसके चारों तरफ का जो भी ब्यूटिफिकेशन के लिए या फिर उसका जो भी डेवलपमेंट था उसको रोकने के लिए किया गया था। वॉयलेट सेपरेशन ऑफ पावर, क्रेडिबिलिटी ऑफ PIL प्रोसेस इज नाउ adversely affected by the criticism that the judiciary is overstepping the boundaries of its jurisdiction, for instances ban on liquor sale on highways, ये मैं instance आपको already बता चुकी हूँ, तो ये आप कह सकते हैं judicial activism का example है, जो कि ये कुछ जो decision होते हैं वो parliament पे होते हैं, but यहाँ पे क्या है कि जुडिशियल ओवर रीच आप कह सकते हो, ओवर स्टेपिंग का एक एग्जाम्पल है। नाउ वे फॉरवर्ड, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो हैं इसमें टू देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को टू प्रिजर्व द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द PIL इन स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह शफुल जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इशूड सेवरल डायरेक्शंस टू हेल्प कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट जेन्युइन PIL पिटिशनर्स फ्रॉम द फ्रिवियस वन एंड रेफर इन्फोग्राफ, तो इसका इसके बारे में देखेंगे डिटेल में, अभी इसको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उत्तराखंड वर्सेस बलवंत सिंह श्रॉफ जजमेंट में दिया गया कि एक जेन्युइन PIL होनी चाहिए और पिटिशनर्स को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ हम किस बेसिस पे जो है पिटिशन डाल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइमली डिस्पोजल, तो PIL को टाइमली डिस्पोज भी करना, उसके जो भी जजमेंट्स हैं उसको टाइम से देना, पेनल्टी करना अगर कोई भी लॉयर है या कोई भी इस तरीके का पर्सन है जो कि मिसयूज़ कर रहा है इसके PIL के लिए, सो दे तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू पिनलाइज इन ऑर्डर टू एड्रेस मिसयूजेस वगैरह, इसके लिए बताना चाहिए और अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ PIL की, हेल्प टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना, मेकिंग जुडिशियल प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक, बिकॉज अगर हमारा एज अ पर्सन वी आर गिविंग द वोट टू द गवर्नमेंट टू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव जैसे MPs MLAs को, और वो जाके रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन पीपल को एट लार्ज, तो ये डेमोक्रेटिक अगर पार्लियामेंट को सही लॉ नहीं बना रही है, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, तो फिर उस पर आप PIL फाइल कर सकते हो, ये मेंटेन करता है डेमोक्रेसी को। ऑब्टेन सोशल जस्टिस फॉर सोशल माइनॉरिटी, इसको मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ, सो माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जैसे इंडिविजुअल के लिए, क्रिएटिंग सिस्टम क्रिएटिंग सीन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज, प्रमोट रूल्स ऑफ लॉ ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस बेटर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स का सेफ गार्ड है, तो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस है PIL के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर PIL, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग द प्ली,
तो कोड को ही सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले आप देखो, पहले अच्छे से सिग्निफाई करो कि ये एक्चुअली में रियल PIL है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है या नहीं है. चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट, तो जो भी कंटेंट है वो सही है कि नहीं है वो इम्पॉर्टेंट है. इंश्योरिंग द पिटिशनर्स टू इन्वॉल्व द इशूज ऑफ द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट ग्रेविटी एंड अर्जेंसी विच रिक्वायर्स प्रायोरिटी, तो उसकी जो भी प्रायोरिटी है वो डिपेंड करनी चाहिए पब्लिक एट लार्ज की. इंश्योर देर इज नो पर्सनल गेन, प्राइवेट मोटिव्स और पब्लिक मोटिव बिहाइंड द PIL पिटिशनर्स, तो किसी का पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट होना चाहिए, या कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि ऐसा बाद में पता चलता है कि नहीं इट वॉज फंडेड बाई समबडी एल्स एंड समबडी वॉज लाइक taking the favor of their own interest, तो उसके लिए हो. ensuring the ensuring that it is aiming at redressal of the genuine PIL harm of the public injury, तो ये सारी चीज़ें बहुत important हैं. ये PIL का concept था which was really very important. so hate speech का topic and ये जो भी shorts हैं इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल कवर दैट, एंड जो भी पॉलिटी का जून वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम IR वाला पोर्शन करेंगे. सो लेट्स डिस्कस दैट हेट स्पीच थिंग. ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जस्ट जो भी ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट से मंथली आप अगर कंप्लीट करके चलोगे अपना करंट अफेयर, तो जो PT 365 है उसको तो फिर आप 10-15-12 आराम से पढ़ सकते हो लास्ट में. तो इसीलिए जो भी सेक्शंस आ रहे हैं सेक्शन वाइज करूँ. अब मैं कोशिश करूँगी कि जैसे पॉलिटी के लिए जो स्टार्टिंग से जितने भी पोर्शन है हर मंथ का, तो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करूँगी उसको. दैट विल बी वेरी easy for the people who is not able to get the benefit of it, या फिर जैसे ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए जो भी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि bilingual लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करूँ, ताकि ये हो कि हाँ अगर किसी को भी प्रॉब्लम है या कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है कोई फार फ्लंग एरिया में किसी गाँव में बैठे हुए, अगर वो मोबाइल का यूज़ करके अच्छे से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दियर सक्सेस ऑल्सो. सो दैट इज़ माई मोटिव एंड दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग to help the people. So let's discuss National Crime Record Bureau NCRB report 500 rise in case under the hate speech law in 7 years. 7 साल में 500% से ज़्यादा का केस राइज हुआ है अबाउट हेट स्पीच. उसके बारे में बात करते हैं हेट स्पीच एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि किसी ने फेसबुक वॉल पे कुछ पोस्ट किया है तो वो हेट स्पीच बन गया, गवर्नमेंट पकड़ के लेके जा रही है, जेल में बंद कर दिया है, उसके बाद पता चल रहा है कि किस तरीके से इसको हेट स्पीच में कन्वर्ट किया गया. बिकॉज डेमोक्रेसी है, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपना एक्सप्रेस तो करोगे ना, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको हेट स्पीच के अंडर लाके आपको जेल में बंद कर दिया जाए. बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी of the democracy, because वैसे ही डेमोक्रेसी इंडिया में कम होती जा रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग. सो हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, किसी भी लॉ में हेट स्पीच डिफाइंड ही नहीं है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये है. उसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट स्पीच इज नॉट डिफाइंड इन इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो. इंस्टीड ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉल्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द लॉ ऑफ advocacy of the hatred and then constitutes incitement to discrimination, hostility and violence. तो सबसे पहले जो हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है डिफाइंड नहीं है, इवन इधर इंटरनेशनल लॉ में भी नहीं है हेट स्पीच एक्चुअली में है क्या, बट कहीं कहीं पे एट्रोसिटी है इसके अलावा, और बहुत सारे लोग जो भी पॉलिटिकल राइट्स और उसका वॉयलेशन करते हैं, बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट भी इसका कभी कभी फ़ायदा उठाती है हेट स्पीच के अंडर ला के लोगों को बंद करवा देना एंड ऑल. हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. जैसे आपने सुना होगा कि जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें छोटे छोटे मीम्स बना देते हैं, या कार्टून के थ्रू, मीम्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स वगैरह के थ्रू जेस्चर्स दिए जाते हैं, सिम्बल्स, या उसके अलावा डिसिमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी तरीके से. अब इन टर्म ऑफ हेट स्पीच हैज़ बीन यूज इनवेरिएबली टू मीन्स एक्सप्रेशन विच इज़ एब्यूजिव, इंसल्टिंग, इंटीमिडेटिंग, harassing or which incites violence and hatred, discrimination against group
identified by कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वन रेस रिलीजन या किसी के रेस के ऊपर रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर या पर्सनल एक्टिविज्म के ऊपर कन्विक्शंस के ऊपर बता दिए बोल देते हैं लोग तो उसी के बेसिस पे उसको हेट स्पीच किस तरीके से लिया जाता है दैट डिपेंड्स लेजिस्लेशंस अराउंड द हेट स्पीच अगर बात करें तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऑल द सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फंडामेंटल राइट 19 सब क्लॉज 2 जो है सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं टू प्रिवेंट इंटर एलिया पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी या फिर मोरालिटी को लिमिट में रख के ही आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी को भी गाली दे रहे हो किसी को भी उसको डिफेम कर रहे हो बिना किसी भी बेस के और उसके बाद आप कहते हो कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इट शुड नॉट बी लाइक दैट बिकॉज एवरी फंडामेंटल राइट हैज़ सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सो जब हम फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा स्टैटिक पोर्शन की जो प्लेलिस्ट है उसको आप जाके देखिए सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860s वेरियस सेक्शंस लाइक 135A, 135B, 298A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डील विद स्पीच ऑफ वर्ड्स दैट कुड क्रिएट मिसचीफ आउटरेज religious beliefs or cause imputations to national integration तो national integration के लिए सबसे पहले जो भी इतने ये सारे sections दिए गए हैं IPC के through तो Indian Penal Code में deal ये सारे जितने भी speech और words के लिए दिए गए हैं outrage क्या है religious beliefs वगैरह के लिए तो ये definitions दी गई हैं उसमें Representation of the People Act 1951 Section 8 disqualifies a person from contesting election if he is convicted for indulging in act amounting to illegitimate such of the freedom of speech and expression के लिए अगर वो violate करते हैं उन चीज़ों को section 123 sub clause A and section 123 prohibits promotions of enmity or grounds of religious case caste community of language in connection with elections as a corrupt electoral practices and prohibits तो सेक्शन 123A बात करता है सेक्शन 125 प्रोहिबिट करता है प्रोमोशंस ऑफ एनमिटी ग्राउंड ऑफ रिलीजन वगैरह के बेसिस पे आपको जो है बीच में या फिर आप लोगों के बीच में ना इस तरीके से भाईचारे को ख़त्म नहीं करना है या इस तरीके से एनमिटी नहीं फैलानी है दुश्मनी नहीं करनी है कि रिलीजन के बेसिस पे हो जो कि कम्युनिटी बेसिस पे हो लैंग्वेज वगैरह तो इस तरीके से आप क्योंकि इस तरीके से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं कंट्री में और ये डिसरप्ट करेगा पब्लिक ऑर्डर को और पीस को और इंडियन जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 सेक्शन 7 पीनलाइज इंसाइटमेंट टू एन एनफोर्समेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स ईदर स्पोक और रिटन बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑन अदरवाइज तो इस तरीके का भी कोई नहीं होना चाहिए जिसमें कि अनटचेबिलिटी हो किसी भी तरीके से इट शुड नॉट बी थ्रू वर्ड्स स्पोकन और रिटन किसी भी साइन लैंग्वेज इस तरीके का कोई भी आपको मीन्स यूज नहीं करना है इशू विद हेट स्पीच स्प्रेड वॉयलेंस हेट स्पीच इंसाइट्स वॉयलेशन एंड अंडरमाइंस सोशल कोहेरेंस एंड टॉलरेंस वगैरह काफ़ी डिसरप्ट हो जाता है इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन है जैसे माइनॉरिटी नेशनल ग्रुप्स एथनिसिटी और उसके अलावा रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए भी टारगेट किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इंडियन आप पूरे जो भी नेशन के जो भी पीस और पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है पॉलिटिकल स्पीचेस ऑफन एज्यूम्स अ डिविसिव टोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉय सोशल प्रेजिडिस फॉर इलेक्टोरल ग्रेन्स एंड इम्पैक्ट सोशल हार्मनी एंड डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और डिसरप्ट करता है सोशल ये डिसरप्ट करता है हार्मनी को और डेमोक्रेसी को तो ये भी है चैलेंज अगर हम बात करते हैं चैलेंज इन काउंटरिंग द हेट स्पीच सबसे पहले क्लैश विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
कर्व डिसेंट, तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. रेगुलेट द हेट स्पीच एंड नॉट श्रिंक द स्पीच ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द डिसेंट. उसके अलावा नो प्रॉपर डेफिनेशन, हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसी वजह से इसको फ़ायदा भी उठा लेती है कभी कभी, जो है एडमिनिस्ट्रेशन उठा लेता है इसका फ़ायदा या एग्जीक्यूटिव्स. लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस, तो लॉ कमीशन अगर रिकमेंड करता है इसके लिए, इट हैज़ प्रपोज्ड टू ऐड सेपरेट ऑफेंसेज इन द IPC, क्रिमिनलाइज द हेट स्पीच इंस्टेड ऑफ बींग subsumed in the existing sections and regulations measure law should be adopted to punish incitement to hatred that may result in violence. जो भी violence वगैरह create कर सके उनके लिए एक regulatory measure होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें करते हैं तो उनको ये सज़ा होनी चाहिए. Consist uniformity and objectivity are very very important while adjudicating any case. Alternative डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफ द हेट स्पीच होना चाहिए इसके लिए कि एक ऑल्टरनेट्स हो उसके लिए कि वे फॉरवर्ड हो, और वे ऑफ नेगोसिएशन, मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन और काउंसिलिंग वगैरह हो कि क्यों क्यों इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं. नॉन लीगल मेजर्स टू एड्रेस हेट स्पीच, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजियस हेड्स टू बिल्ड एम्पथी. तो जो भी जैसे आप पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ की बात करते हो तो उनके जो भी जिनको वो फॉलो करते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि एक पब्लिक एम्पैथी बिल्ड की जाए, हार्मनी बिल्ड की जाए एक दूसरे में, हेट स्पीच के लिए कोई स्कोप ना हो. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी टू बोथ रेलिवेंट एंड काउंटर हेट स्पीच, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स भी इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन हेट स्पीच. प्रवासी भलाई संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में बात की थी. पिटिशनर्स फाउंड द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ रिलेटेड टू हेट स्पीच इनएडिक्वेट एंड प्रेड दैट द स्टेट शुड एनैक्ट रेस्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड टेक परिम्पेट्री एक्शंस अगेंस्ट पीपल प्रमोटिंग हेट स्पीच. बट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बिकॉज इस केस में बोला गया था कि जो भी हेट स्पीच के प्रोविजन है उनको हटा देना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें उसमें से ठीक नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, हेट स्पीच को कम करने के लिए ये प्रोविजन बिल्कुल ठीक है. श्रेया सिंगल का केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो उसके लिए वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में इशू हुआ रेस्ड अबाउट सेक्शन 66A द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड expressions guaranteed by the article sub clause 1 clause a mein constitution mein mention kiya gaya, where the court differentiated between discussion, advocacy and incitement and held that the first two were the essence of the article 19 sub clause a. ab in short mein baat karte hain internet जो है शट डाउन करना, तो इंटरनेट शट डाउन किस तरीके से हुआ है हमारे कई सारे स्टेट्स में उसके बारे में बात किया गया है. इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को वॉयलेट हुआ है उसके बारे में है, तो ये आप एक बार लाइनिंग में पढ़ लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस इंटर स्टेट काउंसिल ISA तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर रिसेंटली रोट टू प्राइम मिनिस्टर कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है एटलीस्ट 3 बार होनी चाहिए साल में, तो इसी के बारे में ISA जो आर्टिकल 263 के अंडर आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार. तो ये है कि क्योंकि ये शॉर्ट्स में है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हम डिटेल में करवा चुकी हैं. राज्यसभा इलेक्शंस हेल्प फॉर सेवरल सीट्स, एक ही सीट पे जैसे एक ही सीट पे बहुत सारे जगह पे एक पर्सन जो है बहुत सारी जगह पे कंटेस्ट कर जाता था, उसकी लिमिटेशंस को लेके है ये आर्टिकल, तो ये पढ़ लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस RS रोज हैव अ सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट, उसके लिए अपार्ट फ्रॉम दिस रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है लक्ष्मीकांत के लिए, तो स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लेंगे इसको. इसके प्रोविजन से एक बार आप पढ़ सकते हो, तो ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के टॉपिक हैं, इसको आप इजिली खुद से कवर कर सकते हो. नेशनल विधान एप्लीकेशन NEWA, अगर NEWA की बात करते हैं तो मेक ऑल द वर्क एंड डेटा रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर द यूज ऑफ बोथ सिटीजन एंड द मेंबर्स. सो ई विधान इज रीडिजाइंड
It is designated as NIVA, Ministry of Parliamentary Affairs is a nodal ministry. तो ये याद करना है prelims में, और as such कुछ मुझे बहुत इसमें नहीं लगा concrete सा. Contesting elections from multiple seats, ये आपको देखना है. और उसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आप स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अच्छा कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए. पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र के जो है इसका बेस है, जो कि न्यूज़ में क्यों था, एंड इसको एक बार जस्ट नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स दैट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MLAs आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंटरीली गिव अप दियर पार्टीज मेंबरशिप. क्योंकि हम जब दूसरी पार्टी में जाते हैं ना, टू थर्ड मेंबर जाने चाहिए, तब आपको आपकी जो भी मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी. अदरवाइज क्या होगा कि आप जो एज ए मेंबर से डिस्क्वालिफाई हो जाओगे. अब बात करेंगे ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है. द मेंबर वोट्स और एब्स्ट्रेन द वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्रेरी टू एन डायरेक्शन इशूड बाई हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एज एक्ट हैज नो बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज. नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जैसे इट हैज ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 6 मंथ. तो 6 मंथ के बाद जो है उनका जो भी मेंबरशिप है वो चली जाती है. एंड एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है. एक्सेप्शन हैं इसके, लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज, जो मर्जर के लिए है 2/3 मेंबर अगर चले जाते हैं तो तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही डिमिट्स द पोस्ट. अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जैसे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जस्टिस R.A. मेहता जो कि रिटायर्ड इन 2013 में. एंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट NESDA की जो 2021 की रिपोर्ट है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है ये. तो ये होता है जो भी जून वाला मंथली मैगजीन का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं अलग से लेके आऊँगी, बट इसके अलावा एक जुलाई वाला जो है और मई वाला जो है वो इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूँगी, तो आपका पॉलिटी का जो पोर्शन है वो ईजिली कवर हो जाएगा इसी में. ठीक है, सो होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड आई एम हेल्पिंग यू इन ऑल द वेज. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो. बिकॉज ये तैयारी ऐसी नहीं है ना कि आप किसी को छुपा के अपने नोट्स तैयार करोगे तो ही आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे. इसमें आप जितनी इन्फॉर्मेशन दूसरे से शेयर करोगे, जितने ज़्यादा इनपुट्स ले पाओगे औरों से, उतने ही ज़्यादा आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए डू नॉट थिंक कि ये, क्योंकि जैसे एकेडमिक्स में आप करते थे कि नहीं उसको कॉपी नहीं देनी, उसको नोट्स नहीं देने एंड ऑल, इस तरीके के देखे हुए मैंने. तो इसीलिए ये चीज़ें जस्ट लाइक वॉश आउट दोज थिंग्स फ्रॉम योर माइंड. एंड इस प्रिपरेशन में आपको ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए आपको एक बहुत अच्छे 2 या 3 लोगों का अपना फ्रेंड सर्कल बना सकते हो जो कि आपके लिए एक्चुअली मैं अच्छा सोचते हूँ और जो कि एक्चुअली सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए. देन टॉक टू दोज पीपल एंड देन क्रिएट अ स्मॉल ग्रुप एंड कंटिन्यू योर स्टडीज. टिल देन थैंक यू सो मच. एंड अगर कोई कॉमेंट, कोई क्वेरी हो तो यू कैन पुट इन द कॉमेंट बॉक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम प्रोवाइडिंग द स्टैटिक पोर्शन प्लेलिस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत जो कि मैं कवर कर रही हूँ, तो वो आप देख सकते हो. जो कि टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली कवर हो जाएंगे एंड दोज आर ऑल ऑथेंटिक सोर्सेज, जो भी नोट्स हैं दैट विल हेल्प यू आउट. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.